क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन न्यूटन एंड 15 कैन नेवर बी दो फोर्सेस दे रखे हैं 10 और 15 इन दोनों का रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता तो इस केस में मैक्सिमम थीटा अगर जीरो डिग्री हो तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है यानी कि दोनों को ऐड कर दो उतना मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा 10 और 15 यानी कि 25 न्यूटन क्या होगा मैक्सिमम रिजल्टेंट दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो उस केस में रिजल्टेंट मिनिमम आता है यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो दोनों को सपरेट कर दो यानी कि फाइव न्यूटन मिनिमम फाइव हो सकता है मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव हो सकता है फाइव से कम वैल्यू अगर है तो वो रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है और अगर ट्वेंटी फाइव से ज़्यादा है तो भी पॉसिबल नहीं है तो इस केस में थर्टी ट्वेंटी फाइव से ही ज़्यादा है तो थर्टी पॉसिबल नहीं है ट्वेंटी हो सकता है टेन भी हो सकता है और फिफ्टीन भी तो आंसर आ जाएगा थर्टी न्यूटन बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन